एचआरटीसी में बसों का अभाव लोगों की परेशानी का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। शहर से दूर गांव जहां मात्र एक ही बस जाती है वहां सवारियों का अधिक होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि बसों में ओवरलोडिंग होती है और यही ओवरलोडिंग होने के कारण हिमाचल में दुर्घटनाएं भी हो रही है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि अगर सरकारी बसों में ओवरलोडिंग हुई तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यही फरमान अब बनी बखोली नैना टिक्कर गांव वासियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। आपको बता दें कि यहां केवल एक ही बस चलती है जो हमेशा ओवरलोड रहती है, लेकिन आज इसके चालक ने कार्रवाई के डर से ओवरलोडेड बस खड़ी कर दी और आने जाने से मना कर दिया। सवारियों को कहा कि जब तक ये ओवरलोडिंग करेंगे वे टस से मस नहीं करेंगे। वहीं बेबस सवारियों ने इस मौके पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि कुछ सवारियां अपने कार्यालयों पर ड्यूटी देने जा रही हैं, तो कुछ विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं और बाकी बच्चे सवारियां अपने घर के काम से निकले हैं, लेकिन बस में अधिक सवारियां हैं इसलिए बस खड़ी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वह जल्द से जल्द बस की व्यवस्था करें ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब ना हो और ना ही आम जनता को किसी असुविधा का सामना करना पड़े। रोज कॉलेज लेट पहुंचाती है बस, इसमें ज़्यादा सवारियां हो रही हैं जिसकी वजह से बच्चों काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बस 8:30 बजे यहाँ से निकल जाती थी और 10 बजे कॉलेज पहुंचाती थी, लेकिन आज 9:30 का टाइम यही हो रहा है। हमारे को पढ़ाई में भी परेशानी हो रही है और बाकी बस धीरे चलती है इसलिए आगे भी नहीं पहुँच पाते टाइम से। सोलन में 5वें दिन पानी की आपूर्ति की जा रही है जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार शहर सोलन को हर दिन 15 लाख गैलन जल की आवश्यकता है, लेकिन 8 लाख गैलन ही पानी के टैंकों में पानी जल स्रोतों से उठाया जा रहा है, जिसके कारण सोलन वासियों को दूसरे दिन की जाने वाली सप्लाई अब 5वें दिन की जा रही है, जिससे आम आवाम को पानी के लिए मारे मारे बटना पड़ रहा है। आसमान से झमाझम पानी बरसने के बाद भी सोलन के लोगों के कंठ सूखे पड़े हैं। ये समस्या लगातार पिछले कई वर्षों से नियंत्रण बनी है। हर गर्मियों में सोलन की जनता को पानी की किल्लत से गुजरना पड़ता है, लेकिन अभी तक सोलन नगर परिषद के इसका स्थायी हल नहीं निकाल पाई है। लोगों का कहना है कि आसमान से पानी झमाझम बरस रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में पानी की किल्लत चल रही है। उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत की वजह से खाना बनाने से लेकर कपड़े और नहाने तक में कठिनाई हो रही है। उन्होंने नगर परिषद से आग्रह किया है कि वे पानी की समस्या का हल निकालें ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। रामपुर में सीपीआईएम की अगुवाई में छात्रों ने बसों में ओवरलोडिंग ना करने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वे ओवरलोडिंग का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले सरकार बसों का इंतजाम करे। रामपुर में धरना प्रदर्शन के दौरान सीपीआईएम के लीडर बिहारी सिंघवी और देवकी नंदन ने बताया कि जब से बसों में ओवरलोडिंग बंद की गई है उसके बाद से किसानों बागवानों को तो नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही छात्रों का भी कॉलेज पहुंचना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि किसान अपने उत्पादों को बस से ना रुकने के कारण मंडी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर किसान मंडी जा भी रहा है तो वापसी में घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण रूटों पर पहले से ही बसें कम हैं और अब ओवरलोडिंग ना करने के कारण दिक्कतें और आ रही हैं। दूसरी ओर कॉलेज छात्रों ने बताया कि रामपुर और आसपास के कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गांव से छात्र आते हैं, लेकिन इनमें लड़कियों की संख्या अधिक होती है।
लेकिन ओवरलोडिंग के कारण ना तो सुबह का समय में वे कॉलेज पहुंच पा रहे हैं और ना शाम को घर। ऐसे में पढ़ाई से ज्यादा आने जाने की चिंता रहती है। कुछ छात्रों ने तो इस समस्या के निपटान के लिए कॉलेज से अलविदा तक करने का मन बना लिया है। इस दौरान CPIM नेताओं ने बताया कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। बिहारी सेंगवी ने कहा कि सरकार को पहले पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, उसके बाद ओवरलोडिंग बंद करनी चाहिए थी जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत अपने फैसले को वापस ले और नई बसें खरीदे और पर्याप्त संख्या में स्टाफ की भर्ती करे। वहीं कॉलेज जाने वाली छात्रा अंकिता ने बताया कि सरकार द्वारा ओवरलोडिंग बसों में बंद किए जाने से छात्रों को कॉलेज जाने व आने में मुश्किल हो रही है। टाइम से कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं और छात्रों ने बस पास भी बनाए हैं, उसका लाभ भी उन्हें नहीं मिल रहा है। अंकिता ने बताया कि अधिकतर छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन बसों में ओवरलोडिंग के कारण उन्हें नहीं बैठने दिया जा रहा है। ना तो वे समय पर कॉलेज जाते हैं, ना ही घर वापसी का कोई समय है। उन्होंने कहा कि आने जाने की चिंता ज्यादा हो रही है। कई छात्राएं ऐसे में कॉलेज छोड़ने का मन भी बना चुकी हैं।